अजय त्रिवेदी जी, दो ही अपराधियों के नाम लेते थे, दोनों मुसलमान, जैसा कि दावा कर रहे हैं शरद प्रधान, आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम बुलडोजर हुआ है यहाँ पर? देखिए, मैं अपराधियों को धर्म से नहीं जोड़ता, आतंकवादियों को धर्म से नहीं जोड़ता, लेकिन ये बात ठीक है कि बीजेपी ने उसको उस तरह से उठाया और उसको एनकैश करने की काम किया। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि बीजेपी की और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी की क्या खासियत है, उनकी खासियत है कि आपके नेगेटिव कनोटेशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना, जिसे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं आपदा को अवसर बनाना। आप 2013 से देखिए, 2014 से देखिए, चाय वाला एक नेगेटिव कनोटेशन था जिस पर पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने जीत लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसका अगले चुनाव में कांग्रेस ने कहा चौकीदार चोर है, तो उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार मैं भी, उसको चलाया। फिर बुलडोजर पर आया तो बुलडोजर का उन्होंने कहा कि हम अपराधियों के खिलाफ चला रहे हैं। और उसको ध्यान कीजिए आखिरी बात कि जब अखिलेश जी ने कह दिया कि आखिरी समय में काशी जाते हैं, तो उसको प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आखिरी वक्त तक भी काशी की और उत्तर प्रदेश की सेवा करूं। तो वो नेगेटिव कनोटेशन को पॉजिटिव बनाना और अपनी स्ट्रेंथ बनाना भी चुनाव की एक बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है, और उसकी काट होती नहीं आसानी। वो ये नहीं मना नहीं कर रहे हैं उसको, वो तो कह रहे हैं कि ये बात का उन्होंने इनकैश किया। और ये खूबी योगी बाबा में एक खूबी है कि वो हर चीज में मोदी जी को कॉपी करने का प्रयास करें, क्योंकि अल्टीमेट उनका उन्हीं के बड़े नेता हैं, उन्हीं तो बड़े नेता वो हर उस चीज को, नहीं तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसलिए दिखता है कि आखिर आगे की दिशा उनकी किस तरफ। अच्छा, इनकी नजर यह है कि अब आगे की दिशा, और यकीनन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की प्रचंड जीत विनोद अग्निहोत्री जी, योगी आदित्यनाथ ही चेहरा थे, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वो तो सर्वमान्य नेता है, बिहार ले लीजिए, देश के किसी भी हिस्से में ले लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी जी चेहरा थे, उनके कामकाज के आधार पर वोट मिलने थे, और अगर ये वोट मिला है 269 सीटें, तो अब क्या इससे उनका कद आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बड़ा होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, योगी जी पहले तो मैं ये कह दूं कि बुलडोजर वाली बात है, चूंकि शरद जी ने मेरा नाम लिया तो मुझे थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। जी जी जी, बुलडोजर मुख्य रूप से तीन अपराधियों पर चला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विकास दुबे के घर। लेकिन विकास दुबे का नाम कभी नहीं लिया गया किसी कैंपेन में, हमेशा मुख्तार अंसारी और उसका लिया गया। क्यों? ताकि उससे ध्रुवीकरण को फायदा तो मिलता है, बुलडोजर नहीं है हिंदू मुस्लिम, उसका एक्शन की बात हो रही है। अच्छा, जिन्ना, अब्बा जान, ये सारे जो है, कैराना, लोगों की प्रॉपर्टी तोड़कर वहां पर तमाम ध्रुवीकरण की बात, जो हिंदुत्व की खामोशी से लहर चली है उसमें बहुत सारे मुद्दों को दरकिनार किया है। और बसपा का जो वोट गया है बीजेपी की तरफ, आप देखिए बीएसपी का जो है गैर मुस्लिम वोट जो है जो बीजेपी की तरफ गया है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें राशन भी एक कारण है, हिंदुत्व भी एक कारण है, और योगी जी की अपनी छवि कारण है। लेकिन अब जो आपने कहा कि मोदी जी का सर्वमान्य नेता है, पूरे देश में वो जाते हैं, अब योगी जी उस स्पेस को धीरे धीरे ले रहे हैं, और योगी जी के रूप में इस जीत में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को एक नए नेता योगी आदित्यनाथ के रूप में हिंदुत्व के एक बड़े नेता को का अवतरण आज हो गया। योगी जी पहले भी थे लेकिन अब वो स्थापित हो गए। हाँ। जो दूसरा चुनाव जीत, जैसे मोदी जी जब 2007 का चुनाव जीते थे वहां पर गुजरात में, तब वो स्थापित हुए थे 2002 के बाद, सबसे टफ चुनाव उनके लिए 2007 का था। इसी तरह 2022 का चुनाव योगी जी के लिए टफ चुनाव था और अब वो स्थापित हो गए। और इस तरह से योगी जी उन मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आ गए भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, नरेंद्र मोदी और योगी, जो लगातार चुनाव जीते हैं।